पीछे आप देख पा रहे हो कुछ चल रहा है कोने में, देखो फोटो निकालने का कितना? 20। क्यों? मोबाइल से। हाँ मोबाइल से। अभी नहीं आएंगे ना तो कभी बताना मेरे से ना, बात करना ठीक है? रहने दो ना, मोबाइल ही है क्या? हेलो, कितना हुआ? अभी बाहर नहीं आएंगे ना तो कभी बात मत करना मेरे से ठीक है? बाय। तुम्हारी गाड़ी वाले लोग कौन सी है? और वाली सबसे साइड वाली, वो साइड वाली दिख रहा है? हाँ उधर पल्सर के साइड वाली 135। कितने बजे तक चालू रहेंगी? शाम तक रहती है। और कितने घंटे के लिए ये वाला? घंटे घंटे में जब तक रहना आपको तब तक रहती है। अच्छा अच्छा, कैमरा का कितना लेता भाई? फोटो वाले बड़े वाले? हाँ हाँ 50। ऐसे मोबाइल का नहीं लेते ना? लेते लेकिन नहीं ले रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, थैंक यू। हाँ मोबाइल के पैसे लगते क्या? 20 रुपए लगते? बीस रुपए? वो तो बोल रहा था कैमरा का लगता। रामाड़ा गार्डन के अंदर और आप नजारा देख सकते हो, हमेशा यहाँ पे अच्छा ही रहता है। और ये फैमिली गार्डन है, तो चलिए करते हैं इसका एक्सप्लोर, कौन कौन कहाँ पे देखते हैं। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी दोपहर के बज रहे हैं, करीब 1:40 और डेट है 14/2/2020 यानी 14 फरवरी, तो समझ सकते हैं।
देखो भाई अभी हम पहुंच गए ऊपर और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे हो कुछ चल रहा है, जिसके मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। कोने में देखो, कोने में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ। तो भाई वहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं और दिखेगा भी नहीं, फालतू लोगों ने इसको बदनाम करके रख दिया रामाड़ा तलाव। मतलब ट्रिप कपल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग आते, फैमिली भी आती है और यहाँ पे बच्चों का टूर भी होता है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे के टूर यहाँ पे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं खासकर 14 फरवरी को इसके लिए आया हूँ, देखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है। सभी लोग मुझे बोलते रहते कि भाई ये कपल्स के लिए जो कपल्स का प्लेस है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें हैं, फालतू में बदनाम करके रहते हैं। तो अभी हो गया, अभी मैं नीचे जाऊँगा, बाकी तो जो कुछ है आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे बोटिंग भी होता है और सामने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रिज है और उसके साइड में कैंटीन है, तो यहाँ पे खाना वीना खा के मैं निकलूंगा घर के लिए। तो फालतू के गलतफहमी मत पालना और कहीं को भी बदनाम मत कीजिए। तो चलिए चलो। और भाई ये देखो, ये महान इंसान है जो यहाँ पे लाए, खाए और खाना नहीं हुआ तो फेंक के चले गए भाई ऐसे। लोगों का यही प्रॉब्लम है भाई, कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं और मतलब कुछ भी लेके जाते हैं, खा पी के जैसे ऐसे देख रहे हैं ऐसा फेंक के रख दिए और मतलब अच्छी जगह गंदा कर देते हैं। अपने घर में तो कभी ऐसे किए नहीं होंगे भाई, अच्छे से साफ करके अच्छे से रखते हैं, लेकिन बाहर जहाँ पे कुछ घूमने लायक है वहाँ पे पूरा कचरा मतलब करके रख दे। डस्टबिन भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है लेकिन पूरा खराब करके रखेंगे। तो ये है एरिया, ये हमेशा बंद रहता है। और मैं जब जैसे अंदर इंटर कर रहा था तो यहाँ पे निकल दो लड़कियाँ बैठ के थे, जैसे मैं अपने कैमरा लेके मैं आ रहा था अंदर तो यहाँ से उठ के भाग गया और मुँह बांध के फटाक निकल गया। मतलब बोलते ना कल्टी मार लिए, उनको क्या लगा क्या पता नहीं। तो यहाँ पे भी बैठने का जगह है, जैसे कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से बैठ सकते हो। ये है चारों बना है बैठने के लिए और इसके साइड में भी कचरा। सुधरेंगे नहीं भाई, हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे, पूरा कचरा करके। बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान करती है आपको तो यहाँ पे लाना, एक घूंट पानी पिला देना भाई, जिंदगी में परेशान नहीं करेगी भाई, काम करता है, मैंने भी काम किया है। तो लाओ गर्लफ्रेंड को और पिला दो एक घूंट, जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये एक जगह है जहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैठने का जगह है। यहाँ पे शाम को तो और अच्छा लगता है, अभी दोपहर है तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और दोपहर के कभी 1 बज रहे। यहाँ पे 3-4 मूर्तियाँ रखे हैं और देखिए, लेकिन इनकी हालत ख़राब है, देखिए इनका चेहरा गायब है यहाँ पे और अभी ख़राब है, अभी फिर से रिनोवेशन चालू है, अभी फिर से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि देख पा रही है पीछे ये कुछ बोतल्स रख के क्या कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे भाई। जो भी है, आने वाले दिनों में फिर से मैं आऊँगा यहाँ पे, ब्लॉग बनाऊँगा, देखते आज का तो शॉर्ट ब्लॉग।
पे ज्यादातर मुझे कपल्स तो दिखे नहीं, ज्यादातर तीन चार ही दिखे और वो नॉर्मली बैठ के थे। और मुझे दिखा, आपको दिखा देता हूँ क्या दिखा मुझे। ये देखिए ऊपर आपको लिख के होंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने अपना प्यार का इजहार किया है। मतलब ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कोयला से लिखा है सोनू मयूर, मतलब अपना प्यार का इजहार यहाँ पे करने के लिए ये लोग आते हैं। तो बहुत अच्छा है भाई, मैं भी लिखूंगा यहाँ पे। सामने है डेड एंड, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी तरफ पानी पूरा खराब हो चुका है। और ये है रामाड़ा गार्डन का एरिया, इधर से आप देख पा रहे हो। और पानी तो भाई कोई अगर एक बार डूबेगा ना भाई जिंदा नहीं बचेगा। तो ये है यहाँ से आप इसे देख पा रहे हो। और भाई नज़ारा बहुत ही अच्छा है रामाड़ा गार्डन का, बहुत ही। भाई कचरा इसमें डालने का है। ज़्यादा कुछ बड़ा बना नहीं सकता हूँ, और अभी एक घंटा हो चुका है, अभी पूरा घूम लिया हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने सिर्फ बदनाम करके रखा है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली है। अभी सामने मेरा है कैंटीन, में जाऊँगा वहाँ पे खाना वगैरह खाऊंगा, मैंने टिफिन लाया है, खा के फिर मैं अपने काम के लिए निकलूँगा। इस तरह का ब्लॉग देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ब्लॉग कहाँ का बनाना है आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।